हेलो दोस्तों, फॉरएवर यूनिक चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं फॉरएवर यूनिक। तो आज मैं ऐसे ही कुछ यूनिक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो शायद बहुत कम ही लोगों ने आपको बताया होगा, या बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को जानते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि स्टूडियो के अंदर किस तरीके से ट्रैक्स रेडी होते हैं और कैसे लूप वगैरह करके और एक गाना पूरे तरीके से तैयार किया जाता है। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा फ्रेंड्स, लेकिन ये चीजें सभी के लिए देखनी जरूरी है, चाहे आप डीजे का काम करते हो या लाइव साउंडिंग भी करते हो। तो इससे एक प्रॉपर वे में नॉलेज हो जाता है कि हमें किस किस तरीके से सेटिंग करनी चाहिए, कैसे स्टूडियो में ट्रैक्स तैयार होते हैं, सॉन्ग तैयार होते हैं। ये जानना शायद आपके लिए भी बेहद दिलचस्प ही होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रेंड। दोस्तों, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए जो होती है जरूरत, वो इंटरफेस की होती है। रिकॉर्डिंग मेनली मोनो चैनल, स्टीरियो चैनल और मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग होती है। तो जो स्टूडियो में होती है रिकॉर्डिंग, वो मल्टी ट्रैक होती है, जिसके अंदर अलग अलग माइक्रोफोन्स अलग अलग रिकॉर्ड हो जाते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, ऑक्टापेड हो गया, ढोलक, तबला, एडियर प्रोसिक्यूशन, जो भी होगा आपका, वो रिकॉर्ड आप कर लेंगे और उसके बाद वोकल अलग से उस पर चढ़ाया जाता है, ताकि हम लोग इसमें पोस्ट मास्टरिंग कर सके। लाइव साउंडिंग के दौरान हमें साथों साथ ही मास्टरिंग करने की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर जो एक रिकॉर्डिंग आती है वो ड्राई आती है और फिर हम लोग उसमें मास्टरिंग करके चीजों को अच्छी तरीके से व्यवस्थित करते हैं। तो मल्टी चैनल इंटरफेस के लिए जैसे कि मैं यूज करता हूँ बेरिंगर का 1604 और साथ ही बेरिंगर का X32 डिजिटल मिक्सर। तो ये एक अच्छी चीज है अगर आप मल्टी चैनल इंटरफेस यूज करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो आइए सीधे सीधे मैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ लेकर आपको चलता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इस प्रोजेक्ट को सुन लेते हैं कि फाइनली इसमें है क्या, ताकि एक आपको अच्छा खासा आइडिया इससे हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये इसका एंट्री पार्ट है जहां से हमारे गाने की शुरुआत होती है, क्योंकि ये एक भजन है तो इसी के अनुसार इसमें म्यूजिक डाली गई है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग माइक्रोफोन्स आपको इसके लिए यूज करने पड़ते हैं और अलग अलग चैनल असाइन करना होता है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जैसे कि ऑडियो ड्राइवर में आप लोगों को सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या चीजें यूज करता हूँ। आप देखेंगे ये सारे के सारे मेरे ऑडियो ड्राइवर्स हैं जो कि मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए यूज करता हूँ, यामाहा का भी यूज करता हूँ। तो फिलहाल जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है वो ये वाला है, बेरिंगर UFX 1604 USB। तो ये सेलेक्टेड है। अभी ये जितने भी चैनल का इंटरफेस होगा, देखिए ये FL स्टूडियो का मिक्सर है, यहाँ से देखिए ये सारे इनपुट अलग अलग आपको मिल जाते हैं। सपोज कर लीजिए मुझे यहाँ 7 नंबर का, ओके, तो ये यहां पर 7 नंबर का चैनल इनपुट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी भी जो है मैंने इसमें जैसे कि मैंने माइक्रोफोन के लिए चैनल 1 इन कर रखा है यहां पर, तो आप देख सकते हैं ये वाला मेरा माइक्रोफोन चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुई हमारे मल्टी चैनल इंटरफेस के बारे में। तो ये इतने सारे 16 माइक्रोफोन आप इसमें इनपुट करा सकते हैं, एंड 2 आउटपुट इसमें आपको दिए होते हैं, आप देख सकते हैं, एक चैनल 1 एंड 2 आउटपुट एंड एक 3 एंड 4। वैसे ही बेरिंगर X32 में पूरे 32 आउटपुट आपको मिलते हैं जो कि आप अलग अलग असाइन कर सकते हैं। जब इसके बारे में हम लोग डीपली जानेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से ये पता हो जाएगा। तो मैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ आता हूँ। सबसे ऊपर जो है मैंने ये बेस लाइन डाली हुई है, तो बेस लाइन के लिए मैंने एक प्लगइन यूज किया है नेक्सस, तो मैं आपको वो दिखा देना चाहता हूँ सबसे पहले। ओके, ये एक ऑक्टोपेड का इंटरफेस है, मतलब मिडी करके आप इससे ऑक्टोपेड बजा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें चलना है नेक्सस की तरफ। ओके सॉरी, ये भी नहीं है नेक्सस। ओके, ये है हमारा नेक्सस, री एफेक्स नेक्सस इसे कहा जाता है। तो ये काफी अच्छा पॉपुलर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि काफी सारे स्टूडियोज में यूज होता है, जो कि मैंने बेस लाइन के लिए आज बेसिकली यूज करा हुआ है। तो मैं कुछ एक बजाकर आपको सुना देता हूँ जो जो कॉर्ड मैंने इसमें यूज करी हैं।
तो ये बेस लाइन हमने ऐसे ही बजाकर, इसे मैंने मिडी कीबोर्ड यूज किया था इसके लिए। तो ये मिडी कीबोर्ड क्या होता है ये भी हम लोग आगे जैसे जैसे सीखेंगे और चर्चाएं करेंगे। फिलहाल ये देख लीजिए कि गाने किस तरीके से तैयार होते हैं। हालांकि मुझसे यहाँ पर एक गलती हुई है, वोकल सबसे ऊपर रखा जाता है, बट वो वाला ऊपर वाला स्लॉट मुझसे डिलीट हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देख लीजिए ये बेस लाइन है, तो इससे एक बेस लाइन की आवाज आती है, बेस की आवाज आती है। उसके बाद आप देखिए यहाँ नीचे में यहाँ पर लिखा है ब्रेक, यानी कि जो भी ब्रेक बीट होती है हमारी ढोलक या तबले की वो यहाँ पर है। ढोलक है, दो बार ढोलक है, मतलब दो, एक रिवर्स एंड एक फॉरवर्ड टोन मैंने इसके लिए लिया हुआ है। ये हमारा कीबोर्ड है, तो चलिए इसको अलग अलग करके हम लोग सुनते हैं और देखते हैं कैसा क्या लगता है ये प्रोजेक्ट इस पूरे गाने को। चूंकि ये गाना अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो सॉरी टू से कि मैं इस गाने को पूरा नहीं सुना पाऊंगा आप लोगों को। एक बार ये गाना रिलीज हो जाए फिर मैं आपको अच्छे तरीके से ये चीजें बताऊंगा। मैंने फिलहाल ये सारी चीजें बंद कर दी हैं, सबसे ऊपर का बेस लाइन हम लोग सुनते हैं। ये हमारा बेस लाइन है, ये कुछ ढोलक के तोड़ में आपको सुना देता हूं फ्रेंड्स। ओके, ये हमारे कुछ तोड़ थे, ये एक ढोलक का बीट आप लोग सुन लीजिए। और ये हमारा रेगुलर बीट है जो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये एक्चुअल में ढोलक के लूप्स होते हैं जिन्हें काट काट कर और एक बीपीएम में सेट करके प्रोजेक्ट को तैयार किया जाता है। तो और एक बार सुन लीजिए, ये हो गया। तो ये इसके लिए आपको लूप्स आपके पास होने काफी जरूरी होते हैं, जैसे कि मेरे पास आपको काफी सारे लूप्स देखने को मिल जाएंगे। ये इस तरह के काफी सारे लूप्स होते हैं, कुछ एक मैं आपको सुना भी रहा हूं। आगे चलते हैं। ये है हमारा कीबोर्ड, ठीक है दोस्तों, कीबोर्ड को सुन लीजिए आप थोड़ा। ये लाइव बजाकर रिकॉर्ड किया गया है, और ये ऑक्टापेड का लूप है। आई थिंक आपको पसंद आएगा ये, मैं बस एक छोटा छोटा टुकड़ा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये ऑक्टापेड है, एंड इसके बाद मैंने यहाँ के लिए कुछ हाई हेट वगैरह यूज किए हुए हैं। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट रेडी होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ और सुना पाऊँ। ये एक्चुअल में ट्रैक है, अभी इसके ऊपर जो वोकल है, जैसा कि ये हमारा वोकल वाला पार्ट है, तो ये एक रफली रिकॉर्डेड वोकल है। इसे सिर्फ ट्रैक बनाने के लिए रिकॉर्ड किया था मैंने। जो भी सॉन्ग बनता है फ्रेंड्स, उसका पहले ट्रैक तैयार होता है, उसके बाद उसे गाया जाता है। तो चलिए मैं बेसिकली आपको कुछ कुछ चीज़ें इसकी सुनाई देता हूँ, आई होप आपको ये चीजें पसंद आएंगी। इसके बाद फ्रेंड्स ये बैकग्राउंड कवर है, यानी कि जो बैकग्राउंड में कीबोर्ड का आवाज होता है वो ये बैकग्राउंड में डला हुआ है। तो ये आप देखेंगे ये भी है, ये हमारे हेड्स के लूप हैं। तो इस तरीके से असाइन करके किसी गाने को तैयार किया जाता है स्टूडियो में। तो ये हमारा प्लेलिस्ट का सारा प्रोजेक्ट है। आप देखेंगे उतना एक्चुअल में आसान नहीं होता ये। तो मैं आपको एक लास्ट का इसका टुकड़ा सुना देता हूँ, आई होप आपको पसंद आएगा। इस तरीके से स्टूडियो में सॉन्ग वगैरह रिकॉर्ड होते हैं और एक ट्रैक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं मैंने इसके लिए इफेक्ट कौन कौन से यूज करे भी हैं। जैसे कि आप देखिए मैंने 19 नंबर पर कुछ लिमिटर यूज किया है, ये कीबोर्ड के लिए है आई थिंक। ओके,
ये कीबोर्ड के लिए जिस फ्रीक्वेंसी की हमें जरूरत नहीं होती उसे काट दिया जाता है। अभी इस सॉन्ग की मास्टरिंग बाकी है, मैंने काफ़ी जगह लिमिटर यूज़ किया है, लिमिटर और कॉम्प्रेशर का काफ़ी यूज़ होता है साउंड की दुनिया में, और इक्विलाइजर का भी एक प्रॉपर नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। जब भी आप लाइव साउंडिंग भी चाहे क्यों ना करें तो ये होना ज़रूरी है। एंड मास्टरिंग के लिए जो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है ओजोन एड। ये दुनिया की जो लीडिंग कंपनीज हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो सारा कुछ ओजोन ही वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है मास्टरिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन है मास्टरिंग के लिए, तो ओजोन एट है। और ये चूंकि मैंने एफएल स्टूडियो भी परचेस किया हुआ है और काफी सारे इफेक्ट भी परचेस किए हुए हैं, लेकिन आपको इंटरनेट से इनका काफी कुछ तोड़ मिल जाएगा, मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा। अब बात आ जाती है कि स्टूडियो के लिए हमें किस तरीके का इंटरफेस लेना चाहिए, तो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने वैसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। या तो आप स्टीरियो इंटरफेस ले सकते हैं या फिर मल्टी चैनल ले सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि स्टूडियो के लिए या तो आप डिजिटल मिक्सर ले लीजिए, यामाहा ले सकते हैं आप। यामाहा वैसे आपको बता दूं मैं, इंडस्ट्री के अंदर जो भी लोग बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग को जानते हैं वो यामाहा यूज करते हैं। उसका रीजन ये है कि इन लोगों के प्रीएम्स काफी अच्छे हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी आप बेरिंगर का यूएफएक्स जैसा कि मैंने पहले भी बताया है 1604 भी ले सकते हैं, और भी इसके अलावा काफ़ी सारे जैसे साउंड क्राफ्ट आप ले सकते हैं। तो ये ब्रांड्स लेकर आप चलेंगे तो आप एक अच्छा स्टूडियो तैयार कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, एंड वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है।